एक दो तीन चार पांच छः, और भी काफी सारे नोट्स हैं। तो यहाँ पर नोट्स देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारी जो है फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। जी हाँ, ये मेरे अकेले की नहीं, आप सभी की मतलब सपोर्ट से ही बिना जो है हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट दिखाया है, हमारी वीडियोस को देखा, व्यूज किया, लाइक किया और कमेंट भी किया है। कुछ सुझाव थे जो मैं बोलता हर कमेंट में, वो भी मेरे पास आए हैं। तो उन सब की वजह से बस मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे पास अभी तो फिलहाल शब्द नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, जो कि आप लोगों की वजह से मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और ये मैंने लगभग आधी पेमेंट अभी विड्रॉल की है, आधी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में है। और ये जो पेमेंट है मेरी 22 नवंबर, जी हाँ उस दिन मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है, उस दिन मेरे पास जो है बैंक की तरफ से एक मैसेज आया कि आपकी जो है यूट्यूब की पेमेंट जो है आ चुकी है। और फिर जब मैंने वहां पर बैंक में जाकर चेक किया तो जी हाँ वहां पेमेंट आ चुकी थी। और इसमें कितना समय लगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नोमेड विद आशीष, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आप यहां पर देख पाए। तो अभी मैं बात कर रहा था ये हरे हरी पत्तियों की। जी हाँ, मेरे पास ये जो नोट्स है 500 500 हो गए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि पेमेंट वगैरह मेरी कैसे आई और कितना टाइम लगा। मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, लगभग 2017 से मैंने चैनल को लगभग स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यू करता रहा, चैनल मोनेटाइज नहीं था और मैंने रन करता रहा। पहले भाई जीरो से लेकर के जो 1000 तक के सब्सक्राइबर होता है, ठीक है, आपको 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट करने होते थे, जो क्राइटेरिया था। वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा ये समझ लीजिए कि वहां तक पहुंचने मुझे 1 से 2 साल लग गया था स्टार्टिंग के। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था वहां पर। जी हाँ, मैं वहां प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। और दूसरी चीज क्या थी वहां पर कि वीडियोस पे व्यू भी नहीं आते थे भाई। स्टार्टिंग में जो भी नया चैनल पर मतलब क्रिएट करता है एक यूट्यूबर, तो उसको नहीं पता होता है कि थंबनेल कैसे बनाना है और किस तरह से जो है अपनी वीडियो में कंटेंट है डालना है, क्या चीजें करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब धीमे धीमे करने पर होता है। तो जो भी मेरा मतलब कहना एक चीज यूट्यूबर से जो भी नए आ रहे हैं या यूट्यूब चैनल बना रहे हैं कि भाई मेहनत करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की तरफ से पेमेंट नहीं आती भाई, आती है, टाइम देना पड़ता है। और मैं यही बताता हूँ कि कोई भी ऐसी मतलब वीडियो जो है मत डालिए जिसमें आपकी वैल्यू ऐड ना हो, क्योंकि आप फिर क्या ना, अगर आप केवल मतलब मान लीजिए आपको इनकम से मतलब नहीं है, आप केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस बना रहे, तब तो बात ही अलग हो गई कि आप केवल सब्सक्राइबर गिन कर रहे हैं। बट अगर आपको पैसे भी चाहिए तो आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, या तो अपनी वॉइस ओवर दीजिए या फेस, और अगर आप दोनों कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा जो चैनल है, मैंने स्टार्टिंग से ही चैनल बना रखा था, तो उसमें क्या किया था, मैं केवल वॉइस ओवर ही करता था। जी हाँ, आपने देखा होगा स्टार्टिंग वीडियोस में मेरा वॉइस ओवर फेस रिवील नहीं किया था। फिर मैंने लास्ट जो है अभी लगभग 1-1.5 साल से मैंने अपना फेस रिवील स्टार्ट किया, मतलब 1-1.5 साल पहले, ठीक है। उसके बाद से जो है मेरे सब्सक्राइबर्स भी गेन होना स्टार्ट हुए, तो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू जो है वो भी इम्पैक्ट रखती है। और इधर जो है मेरे जब पांच लगभग आज से 2 साल पहले लगभग मेरे थे सब्सक्राइबर मान लीजिए 1000 ही हो पाए थे। फिर इधर 1-1.5 साल से जब वर्किंग स्टार्ट करी, और इसमें काफी सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, मैं कुछ लोग हैं यूट्यूबर्स उनका नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर थी सीमा चौहान जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, शाइन भजन जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, रीमा दीक्षित जी, उन्होंने सपोर्ट किया, शौर्य दास ने सपोर्ट किया है, जिंटू इंडिया न्यूज ने भी सपोर्ट किया, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो प्लीज वो बुरा मत मानिएगा क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी, तो सबका नाम ले सकते, बट सभी को ही थैंक्स है, ठीक है। इन पर्टिकुलर का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये मेरी हर वीडियो पर कॉमेंट करते थे, और उस समय की बात है जब इन्होंने मुझे सपोर्ट सबसे ज्यादा किया है। निर्मला जी भी हैं, निर्मला जी का भी नाम मैं लेना भूल गया था, ठीक है। इन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या है कि ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं हरी हरी पत्तियां, तो जब ये हरी हरी पत्तियां आती हैं ना तो भाई बड़ा ही अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है, इस हरी पत्तियों का एक अलग ही मजा है, ठीक है। और मेरी पेमेंट कितनी आई है मैं लगभग ये बता देता हूँ कि पेमेंट जो है आप एक अच्छा सा मोबाइल परचेज कर पाएंगे उस पेमेंट की मदद से, ठीक है, फोन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, बस ये समझ लीजिए। और मुझे समय कितना लगा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, 1 साल लगभग मुझे 1.5 साल लग गया इस एक पेमेंट को उठाने में। जी हाँ, डिपेंड करता है आपके व्यूज के ऊपर, आपकी एक वीडियो पर व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर मान लीजिए व्यूज आपके आ रहे हैं 1000 भी नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर उसका डॉलर वगैरह जो बनता है कैसे बनता है, पहले तो आपका चैनल का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, ठीक है। अभी हालांकि 500 वाला भी हो गया है, ठीक है, शॉर्ट्स पे भी हो गया, बट मैं यही कहूंगा लॉन्ग वीडियोज पर रेवेन्यू थोड़ा अच्छा जनरेट होता है।
और अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो उस पर दो एड हो जाते एड आते हैं, मतलब जो भी आप पैसा पाएंगे वो एड रिवेन्यू का मिलता है, आपके वीडियोस पर जो एड चलते हैं वो कंपनी पे करती है और वहां पर आपका जो है कंप्लीट होता है। और जब तक आपके $100 मिनिमम नहीं हो जाते हैं तब तक जो है आप पे आउट नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस क्या होता है उस पर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर नहीं पता तो मैं ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ। 1000-4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद आपको चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कॉपीराइट आता है तो वो रीयूज कंटेंट में आ जाता है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, फिर आपको कुछ समय दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही जो है आप जो है फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके पास जो है चैनल पर ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐड आने के बाद कुछ आपके डॉलर वगैरह बनने लगते हैं। तो जब ये डॉलर 100 कंप्लीट हो जाते हैं, 100 से ज्यादा भी हो गए, एक साइकिल चलती है लगभग 25 से 26 तारीख के बीच में। एक पेमेंट का ये होता है कि 25 से 26 बीच में आपकी पेमेंट आ जाती है, 21 से 26 मान लीजिए, 25 से 26 नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, 21 से 26 के बीच में आपकी पेमेंट आ जाती है। और जो आपके डॉलर बनता है हर महीने का वो 8 से 10 के बीच में या 11 के बीच में मान लीजिए, ठीक है सबका अलग अलग हो सकता है, 8 से 11 के बीच में वो आपका डॉलर जो है आपके एडसेंस अकाउंट में शो होने लगता है उस महीने का पेमेंट। तो कुल मिलाकर के ये चीजें रहती हैं, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई कोई भी जो भी नया यूट्यूबर है मेहनत करते रहिए, क्योंकि भाई टाइम लगता है। और भाई अगर कंटेंट बहुत अच्छा ज्यादा प्रोवाइड कराते हो, फुल एचडी में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो, थंबनेल बहुत अच्छा हो रहा है, तो भाई फिर आपकी वीडियो को चलने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो बस आज वीडियो में मैं बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, इसमें कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसी की वजह से चैनल चल रहा हूँ। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग मुझे और भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़ पाऊं और आप लोगों के लिए इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स और भी गैजेट्स के रिव्यूज मैं यहाँ पर लाता रहूं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून।